आज कलयुग में आदर्श सदाचारी मनुष्यों में जहां कमी होते जा रही है और वहीं दुराचारी लोगों में वृद्धि होते जा रही है। लोग अब खुदगर्ष होते जा रहे हैं, वहीं समाज में वो अपनों के सिवा किसी और की परवाह तक नहीं करते और सिर्फ कुछ चंद लाइक्स के लिए कुछ यूथ लोग भक्ति के नाम पर दर्शनीय स्थलों में रिले बना रहे हैं। नेगेटिव थिंग्स पॉजिटिव थिंग्स पर हावी होते जा रही है और यही से तो शक्तियां मिलती हैं कली को। दोस्तों, मेरे कहने का मुख्य मुद्दा यह है कि अगर तुम कली से निराश होकर इस संसार में तुम कली को मारने भी जाओगे ना, तो वो तुम्हारे अंदर मिलेगा। कि जिस तरह भगवान मिलते हैं, वो कहते हैं ना, अंदर मेरे रावण है, अंदर मेरे राम भी, न मुझसा कोई साधु है, न मुझसा कोई शैतान भी। आखिर कलयुग के असुर कली की पावर्स कितनी होगी, इस बात का अंदाजा आप इस तरह से लगा सकते हैं। जब कलयुग के अंत के समय उसकी पावर्स उसकी पिक पर होगी और उसे हराने के लिए भगवान कल्कि को इस पृथ्वी पर रह रहे हजारों सालों से जीवित 8 चिरंजीवियों की सहायता लेनी पड़ेगी और उसके इतने पावर बढ़ने की वजह जान आप जाओगे। इसकी पावर्स बढ़ने वजह और कोई नहीं, आप होगे। इस उत्तर के पीछे कारण जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस बारे में हम बताएंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद। कली का पावर्स बढ़ने की वजह हम इसलिए होंगे क्योंकि कली को शक्ति नकारात्मकता से मिलती है और आज के समय में भले ही इंसानों में सकारात्मक तत्व हो या न हो, पर नकारात्मक तत्व जरूर होती है। पर क्या आप ये जानते हैं कि कली का जन्म कैसे हुआ? दत्तात्रेय संप्रदाय के श्री गुरु चरित्र के अनुसार इसके पीछे की कहानी कुछ ऐसी है कि जब ब्रह्मा जी अपने अंदर बसी हुई सभी नकारात्मक इच्छाओं को अपने आप से पूरी तरह दूर कर शुद्ध होने के लिए गहन योग कर रहे थे, वो अपने इस तपस्या में सफल हो गए। पर तत्पश्चात उनसे निकले हुए सभी नकारात्मक ऊर्जा से प्रकट हुआ कली, इसलिए उसे हमारे अंदर बसी नकारात्मक भाव इच्छाओं से शक्ति मिलती है। क्या आपको पता है कली अपने जन्म के उपरांत कैसा दिखता, और क्या आप जानते हैं कि कली का जन्म के पश्चात क्या हुआ? कली के जन्म के पश्चात हुआ कुछ ऐसा कि जब भगवान ब्रह्मा गहन योग करके अपने अंदर के सभी नकारात्मक ऊर्जा को निकालने में सफल हुए और 100% शुद्ध हो गए, तत्पश्चात उनसे निकले हुए सभी नकारात्मक ऊर्जा, जिसमें लालच, वासना, अहंकार आदि सभी नकारात्मकता अपने ही आप में एक रूप में प्रकट हुआ, जिसको देख ब्रह्मा जी भी हैरान हो गए, क्योंकि उस दिन से पहले उन्होंने कभी इतनी अजीब गंदी चीज नहीं देखी थी। और कली अपनी शैतानी व घिनौने चेहरे से मुस्कुराने लगा, जो देखने में बहुत भयानक मंजर था। मृत कली पुरुष आखिर कैसे बच गया और कैसे हुआ उसका शरीर का विनाश? जब भगवान ब्रह्मा जी दारा कली पुरुष को मारने के लिए कालकुट विष को वे उस पर डालने ही वाले थे कि वह भाग गया, तो गुस्से में आकर ब्रह्मा जी कालकुट विष को उन्होंने क्षीर सागर में फेंक दिया। समुद्र मंथन के दौरान जब फिर से कालकुट विष बाहर निकला, तो शिव जी ने सभी को बचाने के लिए विष पी लिया। और समुद्र मंथन में जब कली पुरुष भाग लेने जा रहा था, तब शिव जी ने उस पर कालकुट विष डाल दिया, जिससे वह पूरी तरह मरने वाला ही था। लेकिन क्या आखिर द्वापर युग का अंतिम राजा और कलयुग का प्रथम राजा कौन है, और क्यों इनकी एक गलती की वजह से कलयुग का आरंभ हुआ? ये राजा और कोई नहीं बल्कि पांडव वंश के अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित थे। पांडवों ने स्वर्ग जाने से सारा राजपाट इन्हीं को सौंप के चले गए थे और इन्हीं शासन काल में कलयुग ने धरती पर पैर पसार चुका था, वो भी इन्हीं के राज्य में। इसलिए इन्हें द्वापर युग का अंतिम राजा और कलयुग का प्रथम राजा कहा जाता है। और इनकी यह गलती थी कि इन्होंने कली को यहाँ अपने ही राज्य में रखा। आगे आने वाली वीडियोस में इस बारे में बताऊंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। राजा परीक्षित ने आखिर किस मजबूरी के कारण कली युग को अपने राज्य में शरण दी और वो उसे उसी जगह क्यों नहीं मार पाए? इन सवालों का उत्तर जानने के लिए पूरी वीडियो देखें। है कि राजा परीक्षित को कलियुगा के बारे में कुछ नहीं जानते थे, वो कलयुग के सारी बुराइयां को जानते थे, फिर भी उन्हें बख्श दिया और राज्य में जहां जुआ, मदिरा, परस्त्रीगमन, हिंसा जैसी चार बुरा माने जाने वाली जगह और एक अच्छा मानने वाली जगह सोना को दिया। और लास्ट आंसर ये कि उन्होंने उसे इसलिए धरती पर आने से नहीं रोका क्योंकि वो कालचक्र के नियम को तोड़ना नहीं चाहते थे।